बस्ती शहर से सटे प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के पास राजेंद्रा हॉस्पिटल का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शुभारंभ किया। इस दौरान हॉस्पिटल के निदेशक इंजीनियर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि अत्याधुनिक हॉस्पिटल में नवजात बच्चों के लिए 20 बेड का अत्याधुनिक NICU सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इस दौरान हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजी व किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल ठाकुर ने बताया कि वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से लोगों में लीवर व किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें यह हॉस्पिटल लोगों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब बस्ती व आसपास के जनपद के लोगों को लखनऊ व दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें यहां सरल व सुलभ इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल से आसपास के जनपदों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामसाथ चौधरी, सदर विधायक दयाराम चौधरी, नंदू चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभी मौजूदा समय में यहाँ पे हमारे पास पूरा ये अस्पताल 100 बेडेड हॉस्पिटल है। 100 बेडेड हॉस्पिटल में से 10 हमारे पास न्यूनेटल ICUs है, मतलब वो बच्चे जो तुरंत पैदा हुए 1 महीने के अंदर के हैं और उनको जो है किसी प्रकार नवजात शिशु है उनके लिए 10 है, जिसको हम बहुत जल्दी 40 में एक्सपेंड करेंगे। प्लस हमारे पास एक पीडियाट्रिक ICU है, मतलब जो 1 महीने से बड़े बच्चे हैं लेकिन उनको भी ICU की फैसिलिटीज चाहिए, उनके लिए एक अलग से ICU है। प्लस हमारे पास 10 बेडेड सर्जिकल ICU है, मतलब कि कोई ऐसा मरीज जिनका ऑपरेशन कहीं और हुआ है या हमारे पास हुआ है और सिक हुआ है, तो उसके लिए 10 बड़े पेशेंट्स के लिए ICU है। इसके अलावा हमारे पास 30 बेड जी मेल जनरल वार्ड है जी, 30 बेड फीमेल जनरल वार्ड है। एमरजेंसी सर्विसेज है और OPD सर्विसेज हमारे पास एक यूरोलॉजिस्ट, डेंटल, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन की करंटली अवेलेबल है। देखिए PGI से जैसे MCH की डिग्री में क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, MCH यूरोलॉजिस्ट किस किस चीज़ों का इलाज करता है, नंबर 1 गुर्दा कैंसर, गुर्दे की नली का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, अंडकोश का कैंसर और लिंग का कैंसर, ये सारे कैंसर हैं जो एक यूरोलॉजिस्ट देखता है। कैंसर के अलावा पथरी की शिकायत, चाहे वो गुर्दे में पथरी हो, नली में पथरी हो, पेशाब की थैली में पथरी हो या आगे पेशाब बाहर के रास्ते में पथरी हो, उन सारी पथरियों का इलाज एक यूरोलॉजिस्ट करता है। जिस मरीज़ को पथरी बन चुकी है या जिसको बनने की आशंका है, आगे कैसे उस पथरी से बचा जाए, उसका इलाज एक यूरोलॉजिस्ट करता है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन हो, गुर्दे का इन्फेक्शन, मवाद, नली में नली का जाम होना, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होना, लिंग में इन्फेक्शन होना, सेक्स संबंधित सारे इन्फेक्शन होना, ये सब एक यूरोलॉजिस्ट देखता है। शीघ्र पतन, लिंग में तनाव नाना, मर्दाना कमजोरी, ये सब सेक्सोलॉजिस्ट, जो भी सेक्स संबंधित पुरुषों में दिक्कतें हैं वो सारे एक यूरोलॉजिस्ट देखता है। बच्चे, जिन बच्चों में जो है पेशाब की धार टेढ़ी होती है, लिंग टेढ़ा होता है, गुर्दे में सूजन रहती है, गुर्दे कम काम करते हैं, पेशाब की थैली ढीली होती है, उस सब का इलाज एक यूरोलॉजिस्ट करता है। महिलाएं जिनमें पेशाब लीक होता है, पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको एक यूरोलॉजिस्ट देखता है। शुगर, BP, इन दो बीमारियों के कारण गुर्दे कमज़ोर होते चलते हैं, इनका इलाज एक यूरोलॉजिस्ट देखता है, ताकि भविष्य में आगे चल के किडनी फेलियर की तरफ किडनीज ना जाए। अगर पेशेंट किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है तो फिर यूरोलॉजिस्ट के पास उसका इलाज नहीं है, फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। नेफ्रोलॉजिस्ट फिर दवाइयों से उन गुर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बचाने के लिए प्रयत्न करता है। एक बार जब वो किडनीज ख़राब हो जाएंगी, अगर दोनों किडनी टोटली फेल हो जाती है, तो वहाँ पर रोल आता है वापस यूरोलॉजिस्ट का। नेफ्रोलॉजिस्ट से पेशेंट वापस यूरोलॉजी में आता है और एक यूरोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट करता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक प्रोग्राम है जो ना केवल एक यूरोलॉजिस्ट का रोल है बल्कि नेफ्रोलॉजिस्ट और एक तरह से पूरा बड़ा प्रोग्राम रहता है, जिसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, ICU मैनेजमेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ एक बड़े स्तर की होती है, जिसमें सरकारी सहमति भी हमें चाहिए होती है। तो हमारा आगे चल के विजन ये है कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हम ट्रांसप्लांट यहाँ पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो अच्छे अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे परिवार में भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट है जो भी नेफ्रोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो हमारा इरादा है कि घर में ही आपको जो है यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की सर्विसेज मिल जाए। अभी फिलहाल जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें पुरुष, महिलाएँ, बच्चे, इनमें पेशाब से संबंधित जो